रमदहा वाटरफॉल में डूबे तीन की लाश निकाली गई है। वहीं एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर रेस्क्यू कर तीन लापता लोगों की तलाश होगी। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश सिंह बघेल ने घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से बात की है और गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजनों को हर मदद देने का भरोसा और 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की है। जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के रमदहा वाटरफॉल में दोपहर पिकनिक मनाने गए तीन परिवार के 18 लोगों में 7 लोग गहरे पानी में डूब गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से 7 में से एक महिला सुलेखा सिंह को बचा लिया गया और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जबकि डूबे हुए लोगों में हिमांशु सिंह 18 साल निगाही, रत्नेश सिंह 26 साल जयंत, ऋषभ सिंह माजन मोड़ के सब को गोताखोरों ने निकाल लिया है, जबकि अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू रात में रोक दिया गया था। आज फिर तीन लापता जिसमें अभय सिंह, श्वेता सिंह, श्रद्धा सिंह की तलाश की जाएगी। तीन परिवार के 18 लोग पिकनिक मनाने गए थे। दोपहर में नहाते वक्त हादसा हो गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से बात कर हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। वहीं घटना स्थल पर कलेक्टर के साथ ही एएसपी शिव कुमार वर्मा समेत एसडीएम वीपी पांडे, भारी संख्या में पुलिस, राजस्व अधिकारी, नेतागढ़, स्थानीय लोग मौजूद रहे।